हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज प्रॉपर वीडियो अपने साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है फेसबुक बाय स्टेक इन रिलायंस जियो फॉर रुपीज 43,000 करोड़। वाओ, 43,000 करोड़। तो फेसबुक बिजनेस पार्टनर बन गया जियो का। जियो का इट इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर अदर टेलीकॉम कंपनीज। बैड न्यूज वो जो डेटा प्रोवाइड कंपनी कर रही है, ऑब्वियसली बुरी न्यूज़ है। इतना बड़ा फेसबुक का, इतनी बड़ी कंपनी, अगर वो कंबाइन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जियो जहाँ जहाँ ऑपरेट करता है जिन एरियाज में, उसमें जो बाकी कंपनीज ऑपरेट करती हैं उनके लिए बुरी न्यूज़ है। बुरी न्यूज़ है बिल्कुल। तो लेट्स सी, पहले वीडियो देखते हैं उसके बाद कुछ बात करते हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड एबीपी लाइव ऐप। एक बड़ी खबर है, देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो में फेसबुक ने हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस जियो में फेसबुक ने 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है। दोनों कंपनियों के बीच 43,514 करोड़ रुपए की डील हुई है। तो ये दौर जब पूरी दुनिया भर की इंडस्ट्री धराशाही हो गई है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी से माना जाएगा, 9.99% कुल मिलाकर आप इसे कह सकते हैं 10% के आसपास, 10% से थोड़ा सा कम, 1% की कमी। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाएगा फेसबुक की जियो में। देखिए 43,574 करोड़ रुपए की ये डील है। उस मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता रक्षित सिंह। रक्षित, ये डील के पीछे की कहानी क्या है? क्या कहानी है विकास? देखिए, जिस तरीके से फेसबुक का सबसे बड़ा जो बाजार है वो भारत ही है, और जिस तरीके से व्हाट्सएप की जो यूजर बेस है वो हिंदुस्तान में ही सबसे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जियो प्लेटफॉर्म्स में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है, यानी कि जियो के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन उसमें ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। और अब एक और इसके साथ में महत्वपूर्ण डील हुई है, वो हुई है एक ऐसा ही एप्लीकेशन है जियो मार्ट का और रिलायंस रिटेल का और व्हाट्सएप का, यानी कि कुल मिलाकर इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में देश भर के करोड़ों जो भी किराना दुकानदार हैं उन सबका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और व्हाट्सएप के जरिए ही पूरा लेन देन होगा। तो रिटेल के क्षेत्र मतलब में आगे चलकर बात का लबोलुबाब ये है कि दिखने में ये डील जियो और फेसबुक की है, लेकिन है इसमें व्हाट्सएप भी। देखिए, व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप फेसबुक का ही हिस्सा है आज की तारीख में, तो व्हाट्सएप एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कुल मिलाकर ये प्लेटफॉर्म की डील है। अब इसके जरिए होगा क्या, होगा आने वाले समय में ये कि व्हाट्सएप जियो मार्ट और रिलायंस रिटेल तीनों मिलकर देश भर में जितने भी करोड़ों किराना स्टोर है उनका नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर आपको आपके घर पर कोई सामान चाहिएगा तो उसमें फेसबुक की, व्हाट्सएप की और रिलायंस की कहीं ना कहीं साझेदारी आपको नजर आएगी। आप उसी के प्लेटफॉर्म से लेन देन करेंगे और आपके पड़ोस का दुकानदार जो है वो फट से सामान आपके घर पर पहुंचा देगा। तो एक बड़ी क्रांति रिटेल के क्षेत्र में करने की तैयारी है कहीं ना कहीं डील के जरिए। रक्षित, हमने ये देखा कि व्हाट्सएप के जरिए मनी ट्रांसफर शुरू हो चुका है, क्या फेसबुक ने जियो के साथ जो करार किया है ये क्या उसी बैंकिंग का अगला कदम भी हो सकता है? फेसबुक के जरिए भी मनी ट्रांसफर की शुरुआत की जा सकती है? विकास जी, देखिए फेसबुक के जरिए अभी ट्रांसफर की बात नहीं है, लेकिन जो इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म है रिलायंस के, जिसमें जियो मार्ट है, मार्ट जो है वो पूरे के पूरे रिटेल नेटवर्क को जोड़ने का है, और वहीं दूसरी तरफ रिलायंस रिटेल जो है वो कंपनी है, और तीसरा जो प्लेटफॉर्म रहेगा इन दोनों को जोड़ने वाला वो व्हाट्सएप रहेगा, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए आप करेंगे, जियो मार्ट के जरिए हो सकता है आप अपना पेमेंट करें। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन लिस्टिंग, ऑनलाइन डिलीवरी और सब कुछ जो है इस एक कंसंट्रेटेड जो नया प्लेटफॉर्म एक तरीके से बनकर उभरेगा इन दो टेक जायंट्स के बीच में, जिसमें जियो और फेसबुक। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ग्राफिक्स खास तौर पर हमने तैयार किया, हम चाहते हैं कि इस ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में एक बार फिर से दर्शक समझे। देखिए, करार हुआ है जियो और रिलायंस एक ही कंपनी है, करार हुआ है फेसबुक के साथ, फेसबुक ने जियो में इन्वेस्टमेंट की है करीब करीब 10% से 0.1% थोड़ा कम, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट के जरिए रिलायंस का जो अपना कारोबार है रिलायंस फ्रेश, इसके साथ जियो मिलाकर एक जियो मार्ट तैयार करेंगे जो छोटे व्यापारियों को, किराना कारोबारियों को, छोटे दुकानदारों को सीधे ग्राहक से जोड़ेगा, यानी कि एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान रिटेल का साफ तौर पर सामने है। तो देखिए, ये वर्चुअल मार्केटिंग और वर्चुअल जिसको कहते हैं बाजार खड़ा करने की जगत है, रिलायंस के जियो में इन्वेस्टमेंट किया है फेसबुक ने। फेसबुक ऑलरेडी व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप को खरीद चुका है, फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही है।
जियो मार्ट अपने छोटे व्यापारियों को जोड़ेगा, जियो मार्ट के जरिए व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट होगा, व्हाट्सएप के जरिए उसकी मार्केटिंग होगी, जियो और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप के जरिए जियो मार्ट छोटे व्यापारियों, किराना कारोबारियों और छोटे दुकानदारों को जोड़कर अपना बड़ा एक बाजार खड़ा करने की जुगत में है। और इस लिहाज से अमेजोन के लिए बहुत बड़ा झटका है विकास, क्योंकि अभी पिछले साल अमेजोन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और आगे भी कहा जा रहा था अमेजोन की तरफ से हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन बल्ले बल्ले हो गए ग्राहकों के लिए और छोटे व्यापारियों के। बिल्कुल, देखिए उनका माल जो है वो बड़े प्लेटफॉर्म पर छोटे दुकानदार का भी अवेलेबल होगा, कस्टमर ज्यादा मिल जाएंगे। ओके ये बहुत बड़ी चीज है अगर इसको डिटेल से देखा जाए। बिल्कुल, ये मेरे जहन में ना आ जाके वही वी चैट वाला कॉन्सेप्ट किसी तरह से आ रहा है जो चाइना में चल रहा है, पेपर करेंसी एक किस्म की करेंसी। एग्जैक्टली, तो अब सारा कुछ वर्चुअली हर चीज आपके मोबाइल में आ जाती है, आपके कंट्रोल में। तो ये उसी तरह से मिलता जुलता सिनेरियो के आपके जितने लोकल रिटेल शॉप्स हैं वो सारे भी इसी ऐप एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्टेड होंगे, आपकी लेन देन मनी ट्रांसफर परचेज सेल ये सारा कुछ एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा, पर सारों का एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा सारा कुछ, जो छोटे छोटे रिटेलर्स भी हैं उनको भी इसकी अवेलेबिलिटी की टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया जो है वो पेपर करेंसी से इलेक्ट्रॉनिक और ऑब्वियसली अब एप्लीकेशन की तरफ जा रही है, तो ये भी उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और तो ये बहुत बड़ा है इन्वेस्टमेंट की है फेसबुक ने जियो में, 10% की छोटी अमाउंट नहीं है, 43,000 करोड़। अच्छा, पहले मैं ये समझ रहा था कि शायद उन्होंने सिर्फ शेयर खरीदे हैं, बट ये शेयर से बहुत आगे की बात है। और वो मैं यही सोच रहा था कि फेसबुक कब से कंपनीज के सिर्फ शेयर खरीदना शुरू होगी, फेसबुक बिजनेस प्लेटफॉर्म एक किस्म का दिया अपना बिजनेस एक्सपेंड कर और जियो के साथ मिलकर जो इतनी बड़ी मार्केट है उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। और ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट ये जो जिस तरह से इनकी बातों से जो मुझे समझ आई वो सारी चीज़ मुझे चाइना का वो जो मॉडल है ना उससे कुछ मिलती जुलती, उनका थोड़ा सा और तरह का लेकिन वो मिलती जुलती नज़र आ रही है। उसमें भी ये कि वी चैट ऐप है और उसके अंदर से आपकी मतलब हर चीज़ उन्होंने एक ऐप में डाल दी, आपकी बाय सेल और इवन कम्युनिकेशन पेपर करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट इतना। तो यही है ये भी कि जैसे उन्होंने जियो मार्ट का कॉन्सेप्ट दिया तो ये ऑनलाइन आपका शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी बन गया, व्हाट्सएप की वजह से आपका कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म भी बन गया और साथ में उसके अंदर पेमेंट गेटवे ऐड करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट भी हो गई, ऑनलाइन मार्केट भी बन गई और आपकी कम्युनिकेशन भी ऐड हो गई। तो ये तीनों फीचर्स कंबाइन हो गए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आगे जैसे ही ये चीज़ लॉन्च होगी प्रॉपर अपनी फाइनल शेप में तो आप लोगों को पता चलेगा कि करेंसी जो पेपर करेंसी है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पेपर करेंसी चाहिए किस लिए होती है, सेल परचेज के लिए। तो वो सारी जब आपकी ऑनलाइन आ जाएगी तो आप लोगों की जो इंटरनल ट्रांजेक्शन है इंडिविजुअल्स की वो भी ऑनलाइन ऑटोमेटिकली ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी, तो पेपर करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। दैट इज अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया से पेपर करेंसी एक दिन रिमूव हो ही जाएगी, ये स्टेप्स में हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, यही होगा। इंट्रोड्यूस भी ऐसी हुई थी और खत्म भी ऐसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली एवोल्यूशन है ना, आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है नई नई चीजें आती जाती हैं और इंसानों की जरूरियात को आसानी की तरफ इंसान को लेके जाने के लिए करेंसी ओवरटेक ये चेंज होती है हमेशा, गोल्ड या पता नहीं किस किस चीज या पेपर करेंसी है ये भी खत्म हो जाएगी, फिर आगे वर्चुअली सब कुछ चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको अगर डिटेल से देखा जाए तो आगे आने वाले टाइम में जैसे ही ये प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होंगे ये बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। और अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें पेपर करेंसी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है वायरस के फैलने की, ये भी वन ऑफ द मींस हो सकती है क्योंकि एक बंदे से दूसरे बंदे तक ये सबसे ज़्यादा ट्रैवल की ट्रैवल करती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख के अब लोगों एक दुनिया का बहुत बड़ा फोकस हो गया कि पेपर करेंसी को खत्म किया जाए और सारा कुछ वर्चुअली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की तरफ लेके जाया जाए। तो ओवरऑल जैसे ही ये जो चीज़ अपनी फाइनल शेप में आएगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है आपकी लोकल मार्केट के लिए और इंडिविजुअल्स। अभी तो ये जस्ट अनाउंस हुआ है कि शेयर खरीदे जा रहे हैं, टेक टाइम और आराम से एक पूरा मैकेनिज्म बनेगा जिससे सब कुछ ऑपरेट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इट इज गुड न्यूज है। ये अमेज़न के लिए बुरी न्यूज नहीं, जितने बड़े ब्रांड्स होते हैं दे फाइंड अ वे टू कंपीट, दे फाइंड अ वे टू कंपीट, तो वो इस तरह से मसला नहीं है, अच्छी बात है। अभी जो बाकी कंपनीज हैं वो भी हो सकता है अमेज़न किसी सेकंड लार्जेस्ट जो टेलीकॉम कंपनी है कोई और कंपनीज को मिला के कुछ और, क्योंकि कंपटीशन में कंपनीज बड़ी हमेशा आइडियाज कम नहीं, आइडियाज उतनी। एग्जैक्ट, तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेके और ये जो सारी हमने डिस्कशन की है जो हमें इस चीज़ से समझ आई है, क्या हम कुछ गलत समझ रहे हैं या कुछ और ऐड करना चाहिए, कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया उसमें, तो नीचे कमेंट करके बताएं और हमें एजुकेट करें, एनलाइटन अस।
विद मोर डिटेल अगर आप लोगों के पास है, और इस वीडियो को लेकर अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और डू सजेस्ट अस मोर वीडियो सो दैट वी कैन वॉच इट एज सून एज पॉसिबल. सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर. और रमजान भी आ रहा है, सो ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग हु आर एमिंग तैयारी ऑफ रमजान, तो गुड लक. See you in the next video. Until then, khuda hafiz.